अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, मैं मॉर्निंग का टाइम है ये, सुबह सुबह मैं सो के उठी हूँ, आप देख सकते हैं आज सुबह सुबह ना बहुत प्यारा लग रहा जी। था मौसम, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दी थी सुबह ही। सुबह नाश्ता बनाने का टाइम था, मैं जो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करी थी, मैं रात में चना ला के रखी थी भिगो के, तो मैंने छोला अब पूरी बनाने का सोच रही थी। तो गर्मी में पूरी वैसे खिलाता नहीं है, लेकिन बस दिल कर रहा था छोला है तो पूरी अच्छा लगता है, तो मैं सिंपल तरीके से छोला बनाती हूँ। मैं ज़्यादा मसाला वगैरह मसाला ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, बस ज़्यादा मसाला भून के बनता है, मैं भून के नहीं बनाती। मैं सबको एक में मिक्स कर लेती हूँ कि ये जल्दी भी हो जाता है, और मिक्स करके बनाने से ना मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैंने प्याज वगैरह सब एक ही में काट के हल्का मसाला देकर, और यहाँ पे लहसुन और अदरक और हरी मिर्च और रेड मिर्च भी मैंने ऊपर से ही डाला था थोड़ा सा, और तेल डाल के इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद पानी डाल के और उसे मैंने प्रेशर कुकर में अच्छे से मैंने इसे ढक दिया। तो जी ये ज़्यादा लेट भी नहीं लगता मुझे बनाना था चूल्हे पे इसे, तो जी यहाँ पे चूल्हा जल गया था, मैं जाके देखी थी जलाई, क्योंकि मुझे चूल्हा जलाने नहीं आता लेकिन मेरी मम्मा जलाती है चूल्हा, तो यहाँ पे मैं देख रही थी जी चूल्हा जला या नहीं जलाया, तो भी थोड़ा टाइम था चूल्हा जलने में। दोपहर तक का खाना ना चूल्हे में बनता है, फिर रात का खाना गैस में बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोयला वगैरह का ज़्यादा सुविधा है तो चूल्हे पे ही बनता है। उसके बाद मैंने पूरी को मैंने आटा का पूरी बना दी थी, मैम लोग ज़्यादा मैदा वगैरह यूज़ नहीं करते, बस मैंने आटा का पूरी बना दी थी यहाँ पे सिंपल देखे, ना कोई सोडा वगैरह नहीं, फिर भी फूल जाता है। पूरी के लिए मैंने सिंपल सा आटा लिया, उसमें नमक और मंगरेला और थोड़ा सा रिफाइन मैंने डाला, ज़्यादा रिफाइन भी नहीं डालना है, बस थोड़ा ही सा डाल के मैंने इसे गूँथ के और रख दी थी आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने छोले को तैयार देख रही थी छोला बना या नहीं बना, तो मसाला बन के रेडी हो गया था छोला बन के रेडी हो गया था। और मैंने चूल्हे पे ना पूरी बना रही थी, लेकिन चूल्हे पे ना पूरी अच्छे से बनता नहीं है, तो ज़्यादा फूल ही नहीं रहा था, फिर मैंने लास्ट में उसे गैस में बनाया। उसके बाद मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था, तो मैं यहाँ पे बैठ कर नाश्ता कर रही थी। मुझे ऐसे भी छोला पूरी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है जी। उस ये दादा लेंगे, टीवी है, ये मम्मी है, ये मैं हूँ, ये पा है, और रोड है, हम लोग ये बनाना था क्योंकि हमें तो प्राइस नहीं था, तो मैं यहाँ मेरी बेटी खुद से प्रोजेक्ट बनाई थी, तो उसे आप लोगों को दिखाना था, तो वही बता रही थी ये, मैं मतलब मम्मा पापा का पिक्चर बनाई थी वो जी। मैं जा रही हूँ आम तोड़ने के लिए, आम का शरबत बनाना है, कच्चे आम का जी। आप देख सकते हैं यहाँ मैं नीचे है, इधर गया है ये साल, तो उतना आम नहीं आया लेकिन पिछले साल बहुत ज्यादा आम आया था। ये पेड़ का सबसे छोटा आम है, और मैं इसे शरबत बनाऊंगी, इस वजह से इसे तोड़ी है। देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत पेड़ का सबसे बड़ा आम है, दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि अभी 10 भी नहीं बजे, 9 बजे का टाइम है, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुझे आम तोड़ना था, मैंने तोड़ ली दो, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ। आप लोगों को बहुत पुराना एल्बम है, मतलब कि दादा हज करने गए तो उस समय का एल्बम पूरा फट चुका है, और ये गांव पे ही रहता है यहाँ पे, तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे किसका किसका फ़ोटो है। ये 2002 का एल्बम है, देखिए पूरा फट चुका है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरे दादा हैं, और इसके पीछे मेरे पापा हैं। ये कोलकाता का, जब मेरे दादा हज करने जा रहे थे, पहले ना कोलकाता रांची से नहीं था फ्लैट, पहले कोलकाता से, तो वहाँ पे जाना पड़ता था। तो पहला फ़ोटो ये, दूसरा ये फ़ोटो है जो मेरे दादा का है, जो मेरे दादा देखे जाने से मैं रो रहे थे उस समय का, और ये पैर दिखता वो मेरे पापा का है। मेरे पापा भी हज किए हुए थे, मेरे दादा भी हज किए हुए थे, तो मेरे दादा का डेथ किए हुए ना, वो शायद 2006 में डेथ किए थे मेरे दादा। और जी यहाँ पे सब कोलकाता गए हुए थे छोड़ने के लिए मेरे दादा को, तो
तो ये मेरे दादा हैं और मेरी मंझली अब्बू है, मंझली मम्मी, मेरी फूफी बड़ी मम्मी और बच्चे लोग जो सब बड़े हो चुके हैं। और ये भी कोलकाता होटल का है जब मेरे दादा खाना खा रहे हैं, मेरे पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे साथ में। ये फ़ोटो ना मेरे नानी घर का, जब मेरी मम्मी का एंगेजमेंट करने के लिए मेरे पापा के घर से सब आए हुए थे उस समय का ये फ़ोटो है, बहुत पुराना फ़ोटो है। ये पीछे मस्जिद है, मैं आपको नानी घर के वीडियो पे भी दिखाई थी व्लॉग में। और ये मेरे दादा को जब ले के अंदर जा रहे थे एयरपोर्ट के अंदर उस समय का, मैं दादा पीछे पलट के देखा, हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, उतना होश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी थी। और ये मेरा फ़ोटो जो मैं नानी घर के अपने छत पे खिंचाई हूँ, देख सकते हैं मस्जिद है पीछे जो मैं अपने ब्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ, ये मेरे नानी घर का जो मैं छोटी थी उस समय का मेरा फ़ोटो है ये। और ये दादा जब मेरे यहाँ से जा रहे थे हज करने के लिए, तो यहाँ पे बड़का गाँव पड़ता है, वहाँ का मज़ार है, वहाँ का फ़ोटो है मेरे दादा का। और ये मेरे पापा हैं, ये कैमरा लिए हुए, मेरे पापा उसमें बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे, बहुत पहले का फ़ोटो है। पिक्चर है ये, पिक्चर है जो मेरे पापा का क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, यहाँ पे क्रिकेट मैच हुआ था, ये मेरे पापा है वो सर, ये मेरे फूफा, जो फूफा भी इंतकाल हो गया है। ये बहुत पुराना पिक्चर है, यहाँ पे मेरे दादा और पापा हैं, यहाँ पे भी मेरे दादा, सब मेरे दादा का हज वगैरह का फ़ोटो और जो सब फ़ोटो है वो सब मेरे हज़ारीबाग में है, मैं वहाँ का भी एल्बम जरूर दिखाऊँगी। और शाम हो चुकी थी और शाम का टाइम था, मेरे भाई ना चॉकलेट लेकर आया तो मैं वही खा रही थी बैठ के, क्योंकि ना चॉकलेट चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, चॉकलेट सबको अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे वो राबड़ी लेकर आया था, चॉकलेट लेकर आया था, तो मैं बैठ के यहीं पे खा रही थी। तो जी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी, तब तक रखिए खूब सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।